आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमारे YouTube चैनल के द्वारा मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के सेटिंग को ऑन कर लेना है। जैसे आप सेटिंग को खोलते हैं, इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको अपने फ़ोन के एक जो सेटिंग है एप्लीकेशन का, उसको खोलना है। यहाँ पर जैसे ऐप वाला ऑप्शन पे आता है मैनेज ऐप, इस पर हम जब क्लिक करते हैं तो इसके बाद यहाँ पर देखिएगा राइट साइड कॉर्नर पे यहाँ पर थ्री डॉट आ रहा है, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग देखने को मिलता है, सो ऑल ऐप, डिफ़ॉल्ट ऐप, रीसेट ऐप प्रेफरेंसेस एंड सेटिंग। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ऐप पर क्लिक करना है। इसके बाद आप जिस भी एप्लीकेशन को यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पे से चेंज करना चाहते हैं उस वाले ऑप्शन को ढूंढना है। तो जैसे मैं यहाँ पर ब्राउज़र को चेंज करना चाहता हूँ तो ब्राउज़र पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि कोई सा भी एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में इंस्टॉल हो रखा हो ब्राउज़र वाला, वो यहाँ पर हमें शो कर जाएगा। तो हमें जिसे मैं चेंज करना है, जैसे मैं अपने यूसी मिनी में अगर मैं पहले था मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, तो मैं इसे गूगल क्रोम पर करता हूँ तो यहाँ गूगल क्रोम पर क्लिक कर दूँगा और बैक चले जाऊँगा। तो मेरा यहाँ पर जो ब्राउज़र है वो डिफ़ॉल्ट में हो गया है। तो दोस्तों, वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमारे YouTube चैनल के द्वारा मिलती रहे। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।